Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic, we know we are starting with the chapter, we are doing the chapter, that is lesson number 9, coordination compounds. And today we are going to see with the topic, that is VBT. Okay, dear students, what is VBT? Valence bond theory. VBT was given by one of the scientists named Werner. Now, dear students, before we go for doing this particular valence bond theory, it is very important to note down that there are certain points, like number one, central metal atom. Dear students, जब भी हम coordination compounds की बात करते हैं, one example is there, CONH3 four times. So CO, what is CO? That is your central metal atom. Okay, central metal atom provides a vacant d orbital. आपका जो central metal atom है, वो कैसा है? गरीब है. उसके पास electrons नहीं है. They behave like a room. They are free. They are open. उनके पास बहुत स्पेस है. उनके ऑर्बिटल्स वैकेंट है. ओके. They welcome the ligand. Ligands क्या है? We have talked before also. Ligands are the one which are rich in the electrons. Okay. They behaves as who behaves as metal. Metal behaves as acceptor of the electron. Metals जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे. किसके इलेक्ट्रॉन्स को? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को. ओके. सेकेंड पॉइंट, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यहाँ पर आपका एक मेटल है और यहाँ पे लिगेंड है, तो लिगेंड और एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे. व्हेन दे स्टार्ट ओवरलैपिंग होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. वी गो फॉर हैविंग एस पी डी एफ. दिस आर द फोर सब ऑर्बिटल्स विच वी हैव लर्न इन क्लास 11. नाउ अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर 4? कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज. इट कैन बी sp3, मतलब कि एक का s ऑर्बिट और दूसरे का p ऑर्बिट, तीन p ऑर्बिट ओवरलैप करेंगे एंड इट इज फॉर्मिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एक हो सकता है दैट इट कैन बी टेट्राहेड्रल. सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट, वी गो फॉर हैविंग dsp2. अच्छा, ध्यान से देखिए, एक s और तीन p, 4 हो गया. सिमिलरली यहाँ पर एक d, एक s और 2p, मतलब कि वो भी 4 के ऑर्बिटल्स हो गए. सो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हुई? स्क्वायर प्लेनर. इसका मतलब कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आता है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज. इट कैन बी टेट्राहेड्रल, इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर. डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज गोइंग टू गिव यू द आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड ऑल्सो. इफ यू गो फॉर हैविंग हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6, अगर आपका ये जो है पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर 6 है तो क्या होगा? योर पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, s1 3p और 2d. मींस टोटल इट इज गोइंग टू गिव यू 6 ऑर्बिटल्स ओवर हियर व्हिच आर ओवरलैपिंग एंड यू गेटिंग ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल इज द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. सो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकंड इज गोइंग विद योर अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, आपके जो लिगेंड्स हैं वो कैसे होने चाहिए? या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो वो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, Cl- के पास खुद का इलेक्ट्रॉन भी है और किसी और का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन भी है. उसी तरह इफ वी गो फॉर टॉकिंग अबाउट NH3, एमोनिया, तो एमोनिया के पास क्या है? एमोनिया इज ए न्यूट्रल टाइप ऑफ अ लिगेंड एंड इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये कंपलसरी है कि आपके लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर 4, एम्प्टी ऑर्बिटल्स. एम्प्टी ऑर्बिटल्स किसके होंगे डियर स्टूडेंट्स? यस, थिंक, एम्प्टी ऑर्बिटल्स विल बी ऑफ योर मेटल, सेंट्रल मेटल एटम. ओके, तो एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन ओवरलैप्स विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड. लिगेंड के पास ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और मेटल के जो ऑर्बिट्स है वो कैसे है? वैकेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा. इज इट क्लियर? अगर ओवरलैपिंग हुआ तो अगर हमने n-1 भी यूज किया, n-1 की का मतलब यू नो आवर वर्क प्रिंसिपल, वी गो फॉर राइटिंग 1s, 2s, 2p, 3s, 3d एंड सो ऑन. तो अगर हमारे सीक्वेंस अगर हमने 3d में इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं और फिर 4 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसको बोलेंगे इनर डी ऑर्बिटल. ओके, एंड इफ वी गो फॉर यूजिंग द आउटर डी, फॉर एग्जाम्पल 4d यूज किया, पहले 4s इलेक्ट्रॉन चले गए फिर 4d में चले गए, उसको हम बुलाएंगे आउटर डी ऑर्बिटल. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इनर डी ऑर्बिटल एंड आउटर डी ऑर्बिटल. ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी गो फॉर टेकिंग द एग्जाम्पल इज
ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है अगर वहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास सिर्फ सिंगल ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट द इवन नंबर इट विल बी डायमैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल एक है ऊपर एक है नीचे, सो इट इज गोइंग टू हैव अ डायमैग्नेटिक नेचर। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? So we are going to take one example and of the complex compound when the BPT is participating. Okay, so dear students, our example over here is we are taking the example Werner's valence bond theory. And Werner's valence bond theory, we are starting with example number 1 where coordination number is 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है? आपके सेंट्रल मेटल के साथ 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। सो हाउ दे आर यूनाइटेड, लेट अस सी। आवर सेंट्रल मेटल एटम इज क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। डियर स्टूडेंट्स, का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d4। ओके, एज अकॉर्डिंग टू द आउबर प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, बट 18 electrons over here. And dear students, we have made the change. You all know, you have studied in class 11 that instead of incompletely filled, half filled orbitals are more stable. Half filled orbitals are more stable. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने s में से d में शिफ्ट कर दिया, इससे क्या होगा? इससे आपका 4sp हाफ हो गया और इससे आपका 3d भी हाफ हो गया। सो व्हेन दे आर हाफ फिल्ड दे आर मोर स्टेबल, सो वी गो फॉर सेइंग दैट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। नाउ हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? क्रोमियम एंड वी आर हैविंग द एमाइन 6 टाइम, सो व्हाट विल बी द नेम? हेक्सा एमाइन क्रोमेट, हेक्सा एमाइन क्रोमेट। अच्छा, उसका चार्ज क्या होगा क्रोमेट का? रोमन में 3, मतलब कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा फ्रॉम 24 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। सो डियर स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट द क्रोमियम, अवर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4s1 3d5। सो व्हेन वी हैव टू लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s एंड वी विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 3d। इज इट क्लियर? सो अवर क्रोमियम, क्रोमियम का जो है आपका चार्ज क्या बनेगा यहाँ पर? 4s0 3d3। Now the 3 electrons, how do we split? We go for splitting like this, 1, 2 and 3। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले सिंगली ओरिएंटेड होते हैं एंड देन इन द सेम वन वी गो फॉर हैविंग ऑपोजिट ओरिएंटेशन लाइक दिस एंड देन वी गो फॉर फुलफिलिंग इट। बट एज वी गो फॉर हैविंग ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव ड्रॉप द 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट मीन्स दैट 3d के 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो वैकेंट है, खाली है। जिसके पास 4s है वो भी खाली है, इसके पास 4b ऑर्बिटल्स है वो भी खाली है, एम्प्टी है, जिसमें क्या हो सकता है? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो वी गो फॉर हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ योर लिगेंड, बट यू आर हैविंग टोटल 6। सो ईच ऑफ देम आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर एंड यू गो फॉर हैविंग विच काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? डी ने कितने ऑर्बिटल यूज किए? 2। एस ने कितना यूज किया? 1। और डी ने कितने यूज किए? 3। सो व्हाट इज योर पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन? योर हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3। d2sp3 इज योर हाइब्रिडाइजेशन। ये सर, अगर d2sp3 आता है तो ज्योमेट्री क्या होगी? यू कैन अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, इसमें जो d यूज हुआ है वो कैसा है? इनर है या आउटर है? It is the inner d orbital. So we go for writing inner d complex. This is also we have to write. We go for writing inner d complex compound. Okay. Generally low spin complex. What is spinning? Spinning का मतलब electrons का घूमना, इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे हैं उसका। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कब करेंगे? जब वो सिंगली ओरिएंटेड है। अगर डबल है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ओके, सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट इफ यू गो फॉर हैविंग अ सिंगल, एक भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा? इट विल बी पैरामैग्नेटिक। और सारे के सारे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑपोजिट एक नीचे, तो इट विल बी डायमैग्नेटिक। सो रिमेम्बर जनरली द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लो स्पिन क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 3 से ज्यादा होते तो वो हाई स्पिन होता। इज इट क्लियर?
मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए। ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और ये पूछेंगे कि कौन सा डी इसमें यूज हुआ है, इसमें स्पिनिंग कैसा है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है और इसमें जो है आपका डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। दिस वुड बी आस्क्ड, सो व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, इज इट क्लियर। सो वी हैव फाइंड आउट दैट इट इज d2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन अ डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जनरली विद द लोएस्ट स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस है। It is paramagnetic in nature. It is paramagnetic in nature. We are going to take one more example. Dear students, in that example, instead of ammonia hi lenge, but instead of chromium, we are going to take cobalt. So we are going to see the one more example of the cobalt. दो एग्जाम्पल्स में हम लिगेंड सेम रख रहे हैं बट हम हमारा सेंट्रल मेटल एटम चेंज कर रहे हैं। पहले केस में हमने क्रोमियम लिया था, अब हम ले रहे हैं कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आर्गन 4s2 3d7। तो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि हम उसको हाफ फिल करें या कंप्लीटली फिल करें, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नाउ सी कॉम्प्लेक्स क्या है, कोबाल्ट है और एमाइन है। व्हाट विल बी द नेम, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 है। इसका मतलब कि वो अपने 27 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, इट विल बी लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। सो डियर स्टूडेंट, कोबाल्ट 4s2 3d7, सो व्हेन इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स एस में से गए, एक इलेक्ट्रॉन गया उसका डी में से, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो हाउ दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। यस फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए जो हमारे लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस ओवर हियर, इसको कहा जाता है फोर्स पेयरिंग। फोर्स पेयरिंग होता है कि आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ हो सकता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 11। क्लास 11 में ये पढ़ाया जाता है कि आपका होता है फोर्स पेयरिंग। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स मर्जअप ओवर देयर। सो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स मर्जअप होंगे एंड व्हाट विल हैपन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो ये कपलिंग हो गया यहाँ पर, एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गोइंग ओवर हियर। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वी आर गेटिंग, नाउ वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अवर NH3 जो है वो कितनी बार है, 6 टाइम्स है। सो इट विल बी गोइंग, इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट ओवर हियर एंड यू विल बी गेटिंग द ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड ओवर हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ योर सेकेंड कंपाउंड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, वेर यू आर एबल टू सी अगेन वॉट वी हैव यूज इनर डी। दिस इज योर इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी आपका इनर डी हुआ। इनर डी कॉम्प्लेक्स क्योंकि हमने पहले वाला डी यूज किया है, हमने 4 के बाद का डी यूज नहीं किया है। वेरी सून आई विल सेंड यू द अनदर ऑर्बिटल्स ऑल्सो एग्जाम्पल, वेरी सून आई विल गिव यू द अनदर एग्जाम्पल्स विच विल मेक इट मोर क्लियर। ओके, सो हियर इज वी गो फॉर हैविंग d2sp3। d2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वी गो फॉर हैविंग ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल अगेन। वी गो फॉर हैविंग नो स्पिनिंग। क्यों नो स्पिनिंग, बिकॉज इट इज डायमैग्नेटिक। यहाँ पे आपका एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल बचा ही नहीं है जो कि स्पिनिंग कर सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मींस इट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड यू डोंट हैव अ स्पिनिंग ओवर हियर। सो स्पिनिंग विल बी नॉट अकाउंटेड ओवर हियर। नो स्पिनिंग का मतलब स्पिनिंग यहाँ पर अकाउंट नहीं करेगा, स्पिनिंग नहीं अकाउंट करना है एंड इट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। स्पिनिंग अगर हो भी रहा है तो इट इज कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर।